रीवा के विकास के नाम पर आप विरोधियों को दमन करने के लिए जमकर किलेबंदी की जा रही है और इसके लिए उन्हें भूखे मरने की कगार पर पहुंचाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि विवश होकर माननीयों के पैर पकड़ें और जैसा वह कहें वैसा करें। दरअसल सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय और बोदाबाग रोड की तरफ फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही सिरमौर चौराहे से बोदाबाग रोड में संचालित दुकानों को हटाकर पीछे किया जा रहा है, जिसका सिरमौर चौराहा व्यापारी संघ विरोध कर रहा था। धरना प्रदर्शन तो समाप्त हुआ, लेकिन अब व्यापारियों के दमन के लिए नई रणनीति बनाई गई है। यह रणनीति ऐसी है कि करो या मरो, या तो शासन प्रशासन की बात मानो या विवश होकर भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब शहर के बीच निर्माण क्षेत्र में चारों तरफ से आवागमन बंद कर दिया गया है और सैकड़ों दुकानदारों की दुकानदारी चौपट कर दी गई है। व्यापारियों ने बताया कि रीवा में कई फ्लाईओवर सड़कों का निर्माण होता रहा, दुर्घटनाएं होती रही, लेकिन कभी भी चारों तरफ से रास्ते नहीं बंद किए गए। लेकिन सिरमौर चौराहे में व्यापारियों को परेशान करने के लिए पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस तैनात की गई है। पुलिस फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहनों का प्रवेश तो बंद ही कर दिया है, पैदल आने वालों के साथ भी मारपीट कर रही है। आपको बता दें कि जो दुकानदार यहां व्यापार कर परिवार की रोजी रोटी चला रहे थे, वो इन दिनों अब भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दुकानदारों ने बताया कि किराए से दुकान लेकर अपना कारोबार चला रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। दुकानदारों ने मांग की है कि अगर फोर व्हीलर वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है तो ना आने दिया जाए, कम से कम पैदल और दो पहिया वाहनों को आने की अनुमति दी जाए, जिससे उनकी दुकानदारी और रोजी रोटी चलती रहे। आपको सुनाते हैं स्थानीय व्यापारियों ने अपनी पीड़ा में क्या कहा है। क्या है कि सिरमौर चौराहे में जो फ्लाई ओवर बन रहा है उसके बारे में थोड़ा हम बोलेंगे। आवागमन तो पहली बार बंद है और एक साइड से अगर रोड निकाल देते तो हम लोगों की रोजी रोटी में थोड़ा प्रभाव न पड़ता। अब यह है कि शुक्ला जी को तो कोई अंतर है नहीं, गरीबी क्या चीज़ है उनको कोई मालूम नहीं। गरीबों को ही मालूम है कि गरीबी क्या चीज़ होती है, उनको तो पैसे से मतलब है। एसी में घूमना, एसी में रहना, हर काम उनका वीआईपी है। तो गरीब का मतलब ये होता है कि जब वो पेट भर रोटी नहीं पाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा उनको, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। अब हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब ऐसा काम करें कि उनका फ्लाई ओवर भी बने, हम लोगों का जो है तो काम भी न रुके, हम लोग दो पैसे के लिए बैठे तो वो भी काम हो। अब ये थोड़ी है कि फ्लाई ओवर के नाम से हजारों 10,000 पब्लिक बेरोजगार है, आवागमन बंद है, कोई पेशेंट है वो भी नहीं जा पा रहा, यहाँ सियाने जितने हैं बुजुर्ग हैं वो टांग फैला के ऊपर चढ़ रहे हैं, रेलिंग में गिर जाएंगे, उसकी जवाबदारी शुक्ला जी को है। तो ये हम लोग जो है तो खुदे परेशान हैं और पब्लिक भी परेशान है। क्या नाम है आपका? राधे कृष्ण तिवारी। सवाल पूछे भैया तब ना। ये आप लोगों का काम प्रभावित है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम कहने लायक तो कुछ है नहीं, हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं, मतलब इधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है। हाँ ये विकास हो रहा है, ठीक है, हर जगह फ्लाईओवर बनता है, ये पहला फ्लाईओवर रीवा में नहीं बन रहा है, हर जगह बना है। तो हमने यही देखा है कि एक तरफ से रोड खोली जाती है, दूसरे साइड काम किया जाता है। तो हमारी यही निवेदन है, हम निवेदन ही कर सकते हैं उनसे, प्रशासन है वो, कि हमारे एक तरफ से आप रास्ता खोल दीजिए। नहीं खोल सकते आप फोर व्हीलर के लिए, चलिए ठीक है आपको दिक्कत हो रही है, जाम लगेगा, आप मोटरसाइकिल का रास्ता खुलवाइए। तो रास्ता खुलवाएंगे तो दो पैसे हमारे भी आए होगी, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, वही जो होता था, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर आगे जाके कुछ और करेंगे, और तो कुछ है नहीं। कि कुछ मारपीट भी की जा रही है पुलिस प्रशासन। हाँ जो लोग, जैसे मैंने देखा अभी तो दुकानदारों के साथ तो नहीं हो रहा, पर जो कस्टमर जैसे कई बार रेलिंग से कूदने लगते हैं, भाई अब उनको आना है, कोई काम है, सामान लेना है,
तो वो रेलिंग से पैदल आते हैं तो उनको रोका जाता है, मारपीट धमकाया जाता है पुलिस वालों द्वारा, डंडे वंडे दिखाए जाते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और साथ वीडियो भी उसका एक आया था मारपीट का, पुलिस वालों ने वहाँ पे इसी जगह में मारपीट करी थी। क्या कहना आपका? हमारा कहना तो ये है कि यहाँ आज सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरा व्यापार प्रभावित हो गया है। और हम लोग किराए से हैं, आज 20-22 साल से किराए से दुकानें हैं, किराया देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है, बैंक से लोन है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मंत्री जी हम लोगों को भी दुकानें दें, आज 20-22 साल से किराए से बैठे हुए हैं और अब हम कहाँ जाएं? अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, आज 45-50 साल का आदमी हो गया, अब कहाँ जाएं? हमारे पास तो रोजी रोटी नहीं है बिल्कुल। कहना चाहेंगे कि जो है तो ओवरब्रिज बनाया जाए लेकिन थोड़ा सा रास्ता खोल दिया जाए पब्लिक आने जाने के लिए, टू व्हीलर है, पैदल आने जाने वालों का है, लेकिन ग्राहक ही बहुत प्रभावित है, ग्राहक आ नहीं पा रहे हैं, रूट डाइवर्ट है, इसके कारण जो है तो ग्राहक उधर से निकल गए हैं, उधर से निकल गए हैं, सुबह से आते हैं हम लोग बस बैठे रहते हैं। पुलिस प्रशासन नहीं आने दे रही इधर, पुलिस प्रशासन पूरा बंद की है रोड, तो कहाँ से आने दे रही सर, दोनों साइड से बंद किए हैं, गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं, कस्टमर आ नहीं रहे हैं, आदमी सुबह से आता है बस बैठा है ग्राहक के इंतज़ार में, अब जब तक नहीं खोला जाएगा रास्ता तो आदमी इंतज़ार करेगा, अब क्या कर सकता है, व्यापारी हैं, कुछ आदमी कर नहीं सकता इंतज़ार के अलावा।